अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल्स इन इंग्लिश, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। बेसिकली हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें वो एक दरअसल जो क्या है, कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स इंग्लिश में क्या चीज़ है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। कभी भी अगर आप लोगों ने ग्रामर को अच्छे से लर्न करना है, अगर आप उसमें अच्छे से ग्रिप चाहते हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक फंडामेंटल चीज़ है, जिसके जरिए क्या है, इसमें एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। आपके अंदर स्किल्स जो है इन्हांसमेंट, इंग्लिश इन्हांसमेंट स्किल्स आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएंगी। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। स्पीच दरअसल क्या है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, हम डेली लाइफ में ऐसे राइटिंग करते हैं, हम वैसे स्पीकिंग करते हैं। अगर हमारा जो स्पोकन कोर्स होता है उसमें हम स्पीकिंग करते हैं, अब कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें क्या है, दरअसल वो जो है एक मजमुआ होता है वर्ड्स का। तो हर एक वर्ड का अपना एक फंक्शनल एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, इस पार्ट ऑफ स्पीच में बात की कलेक्शन ऑफ सेंटेंस की। कलेक्शन ऑफ सेंटेंस मतलब ये है, अगर हम इसकी एक सेंटेंस की बात करें तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैंने ये ली है, अली राइट्स अ लेटर। अब ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, ये एक जो है कॉम्बिनेशन है बहुत सारे वर्ड्स का। ठीक है, तो देखिए, इस हिसाब से देखा जाए ये जो सेंटेंस है, अली राइट्स अ लेटर, अब इसमें हमारे पास जितने भी ये फोर टू फाइव वर्ड्स गिवन है, अब इनका कोई ना कोई फंक्शन है इस सेंटेंस के अंदर। तो इट मींस जब भी हम स्पीच करते हैं तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब उन वर्ड्स का फंक्शन क्या होता है, उन तमाम फंक्शनैलिटीज को लेके जब उसको हम डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसका इस्तेमाल जो है वो किसके जरिए होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए होता है। देखिए, अली राइट्स अ लेटर, अब इसमें देखा जाए अली क्या है, एक हमारा नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसके बाद राइट्स की बात कर रहे हैं, तो राइट्स जो है, यहाँ पर जो राइट है ये हमारा वर्ब है, ये हमारे क्या है, वर्ब है, और ये अली क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद अ लेटर, ये भी हमारा एक नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ए जो है ये हमारा आर्टिकल है। तो इट मीन्स अगर हम बात करें, एक सेंटेंस जो होता है वो दरअसल एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे वर्ड्स का। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। Like this, in this sentence, we have a sentence, Ali writes a letter. इसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे words को divide किया गया into different kinds. Different kinds में जैसे ये kind और है, ये noun है, ये verb है, और ये भी again एक noun है. It means ये क्या है, words का कैसा मजमू है, और different kinds है. उसे क्या कहते हैं, cards of speech. अब इनका एक अपना क्या है, use है. According to their use, इनका अपना एक यूज है जिससे सेंटेंस मेकिंग होती है। यूज अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस। इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है एक सेंटेंस के अंदर, उस हिसाब से क्या है, इसको जब हम यूटिलाइज करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इन द मॉडर्न ग्रामर और ट्रेडिशनल ग्रामर। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर इन नंबर्स। द फर्स्ट वन इज नाउन, pronoun, adjective, adverb, verb, prepositions, preposition, conjunction, interjection. उसके बाद देखिए, ये जो मैंने जो सीरीज बताई है फंडामेंटल्स की, इसको हम एक लेक्चर के अंदर तो सारा कवर अप नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह चल एक दिनों में इसको मैं बड़ा थॉरली पढ़ाऊंगा,
और डेली बेसिस पे इसकी एक एक कॉन्सेप्ट पे हम थॉरली बात करेंगे, जिससे हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होते चले जाएंगे, इम्प्रूव से इम्प्रूव होते चले जाएंगे। फर्स्ट वन इसके एक और चीज भी है, वो ये है चंद एक मॉडर्न जो ग्रामर्स हैं उन्होंने डिटरमाइनर्स को भी इंक्लूड किया है ग्रामर के अंदर, ठीक है। जैसे सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिटरमाइनर्स को भी इंक्लूड किया गया है, उसके अंदर आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि है सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिटरमाइनर्स आर, अब डिटरमाइनर्स होते क्या है, वो ये है डिटरमाइनर्स आर ए एंड दी दिस दीज दीज दोस एवरी ईच सम एनी माय हिज वन टू एटसेट्रा। बट चंद एक ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया है, इन तमाम वर्ड्स को एडजेक्टिव कंसीडर किया है एक्सेप्ट ए एंड ऑफ दी बिकॉज दीज आर आर्टिकल्स, ठीक है। हमने इसको एक शॉर्ट सा ब्रीफ जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। आज जो है सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे थॉरली वो ये है, हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्म इसको हम जो है थॉरली से डिस्कस करेंगे, और ये जो हमारे पास एक फंडामेंटल सीरीज है ये हम मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है ब्रीफली बट आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब ऑल दीज कॉन्सेप्ट इन डिटेल। So first of all, we are going to discuss about noun. What is noun? आप लोग basic classes से पढ़ते आ रहे हैं कि noun क्या है? Noun is a naming word. Noun is a name of any place, thing, person, idea or any concept. ठीक है? हम इसका जो है utilize करते हैं sentence के अंदर, इसकी exemplify करते हैं ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में idea हो जाए। Shy went to learn. ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमने नाउन को यूज किया है, वो किस तरह से यूज किया गया है देखिए। शाही वेंट टू लाहौर, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी एक सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को यूज किया जाता है स्पेशली प्रॉपर नाउन्स को, उसके लिए है उनके तमाम फर्स्ट लेटर जो होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पे शाही पे जो एस है वो कैपिटलाइज किया गया है, और यहाँ पे जो लाहौर में जो एल गिवन है उसको हमने क्या किया है कैपिटलाइज किया। तो इट मींस नाउन के एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या पोजिशन हो सकती है, देखा जाए तो नाउन जो है ये एज अ डोर भी हो सकता है और एज अ रिसीवर भी हो सकता है। मतलब ये एक सेंटेंस के अंदर एक काम करने वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, वो हमारा एक नाउन होता है, और उसी सेंटेंस के अंदर जो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस हम एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसको हम रिसीवर भी कहते हैं या उसको हम इग्नोर भी कहते हैं। तो देखा जाए ये जो है हमारा एक नाउन है, और यहाँ पे ये हमारा जो क्या है ये भी हमारे पास क्या है एक नाउन है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम इसको मजीद जो है डिस्क्राइब करते हैं। देखिए अपियन रैंक द बेल, इन दिस सेंटेंस देखा जाए हमारे पास ये जो एक वर्ड है प्योन, ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास नाउन है, और इसी तरह से इसी सेंटेंस के अंदर जो द बेल गिवन है ये भी हमारे पास क्या है ये भी हमारे पास एक नाउन है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी नाउन की बात करते हैं नाउन से पहले हम हमेशा दी आर्टिकल लगाते हैं, सॉरी जब भी कोई देखा जाए तो ये वर्ड बेल गिवन
अगर इससे पहले हम दी लगा दें तो इट मीन्स हमारा नाउन है, ठीक है। तो दी जो है हमेशा आता है नाउन के साथ, और नाउन के साथ कभी भी नहीं आता। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि नाउन और प्रोनाउन मोस्टली इनका सेम फंक्शन होता है, लेकिन चंद एक डिफरेंस है जिसकी वजह से क्या है नाउन प्रोनाउन से डिफरेंट हो जाता है। एक तो ये है कि कभी भी प्रोनाउन से पहले हम दी आर्टिकल कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है। इनका जो कि नाउन और प्रोनाउन आपस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, हम इनको बहुत सारे फंक्शंस में एक एक समझ सकते हैं, ठीक। क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन, ठीक है। तो इट मींस कि जब भी हम किसी प्रोनाउन की बात करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन दोनों में सेम फंक्शनैलिटीज होती है, लेकिन चंद एक चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से नाउन प्रोनाउन से चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि दी जो है हमेशा नाउन नाउन के साथ रहता है, आप प्रोनाउन से कभी भी नहीं लगा सकते। इस तरह जेरंड्स जो है, जेरंड बनते हैं जेरंड जो है नाउन प्लस आईएनजी, इसका जो है ये बनता है, इसे हम कहते हैं जेरंड। तो जेरंड जो है हमेशा नाउन का बनता है, कभी प्रोनाउन का नहीं बनता। तो इन टू पॉइंट्स में आके जो है नाउन प्रोनाउन से डील होता है, बाकी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन का सेम आपस में फंक्शन होता है। तो मैं यहां बात कर रहा था अपियन रेंडर, यहां पे ये देखा जाए व्हाट इज द पर्सन डूइंग हियर। अपियन प्योन इज प्योन रैंग द बेल, तो इट मींस अपियन जो है हमारे पास क्या है, डोर। अब इस काम का जो एक्शन है, इस एक्शन का जो इफेक्ट है वो किस पे हो रहा है, वो इस पे हो रहा है। उसने किस चीज को बीट किया है, उसने इस बेल को बीट किया है। तो इट मींस ये जो बेल है ये हमारा एक रिसीवर है, इसने इस एक्शन को क्या किया, रिसीव किया। तो इट मींस दिस इज आवर रिसीवर। सो रिसीवर इज आल्सो कॉल्ड नाउन। मैंने आपको पहले ही बताया कि नाउन जो होता है वो सेंटेंस के अंदर एज अ डोर और एज अ रिसीवर भी होता है। अब ये जो डोर है इसे और नाम यूज करते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के हमेशा स्टार्ट में होता है, पॉसिबल है स्टार्ट में भी और मिड में भी आ सकता है और एंड पे भी आ सकता है, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं कि सब्जेक्ट जो है इसका एक और नाम भी है डोर, या उसे कहते हैं नाउन। सेम एज जिस तरह हमने रिसीवर की बात की, ये भी हमारा एक नाउन हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है नाउन को बहुत ब्रीफली इसको देखा है, कल इंशाल्लाह हम इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, इसके कितने टाइप्स हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, आई होप सो कि मैं जो पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।